अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डीपीएस हावड़ा, दिल्ली पब्लिक स्कूल हावड़ा के बच्चे। इन्होंने बड़ा ही अद्भुत संदेश लिया है आज के इस कार्यक्रम के लिए। इन्होंने शब्द चुना है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसा शब्द जो कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी सुनते जा रहे हैं। पीढ़ी की पीढ़ी चली गई, किंतु उस शब्द के व्याख्यान में कोई कमी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने एक ऐसा अध्याय बनाया है। आइए आनंद लेते हैं डीपीएस हावड़ा के द्वारा महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने बदन पर खादी को डालकर एक अद्भुत संदेश दिया पूरे देश को। आज उस खादी को लेकर भी हम बड़े ही उत्सुक रहते हैं कि हमने खादी का कुर्ता पहना है, हमने खादी की जैकेट पहनी है। तो आइए आनंद लेते हैं डीपीएस हावड़ा के बच्चों के द्वारा महात्मा गांधी के संदेश खादी के ऊपर। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपने अभी तक मैथिली पार्ट वन देखा है, मैथिली पार्ट टू बाकी है। तो कृपया आप अपनी बेचैनी को बिल्कुल अपने में बरकरार रखिए, क्योंकि मैथिली पार्ट टू में और धमाकेदार प्रस्तुति आपके सामने करेगी। आइए आनंद लेते हैं डीपीएस हावड़ा महात्मा गांधी। देश की आजादी को जिसने अपना लक्ष्य बनाया था, त्याग विदेशी धागे, खुद ही खादी बनाया था, वो मोहनदास महात्मा गांधी कहलाया था। महात्मा गांधी's contribution towards the Indian freedom struggle is immeasurable. Today's presentation is just a glimpse of the revolutionary journey witnessed by khadi. साबरमती में चरखा बुनकर खादी को घर घर पहुंचाया था, चंपारण से अंतिम रण तक आजादी का संदेश फैलाया था, जला के होली विदेशी वस्त्रों की, खादी का सम्मान बढ़ाया था, वो मोहनदास महात्मा गांधी कहलाया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे,
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मा सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आजादी की जंग में गांधी का विश्वास हो, मैं सिर्फ एक धागा नहीं भारत का अभिमान हूँ, महात्मा गांधी के स्वराज की पहचान हूँ,
मैं खादी हूँ, मैं खादी। देश की आजादी को जिसने अपना लक्ष्य बनाया था, त्याग विदेशी धागे, खुद ही खादी बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से हम डीपीएस हावड़ा के आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके उत्साहवर्धन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रतिभा बिनानी जी को, श्रीमती सविता अग्रवाल एवं श्रीमती आशा झुंझुनवाला को। मैं आग्रह करूँगा डीपीएस हावड़ा की पूरी टीम, जो टीचर्स भी यहाँ आए हैं, कृपया आप भी मंच पर आएं और वन बंधु परिषद की तरफ से मेमेंटो ग्रहण करें। मित्रों, गांधी जिस पर इतनी सुंदर प्रस्तुति इन सभी बच्चों ने की है, हमें यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 26 फरवरी 2019 को गांधी पीस अवार्ड, जो कि किसी ऐसी संस्था को दिया जाता है जो शिक्षा, गांव के विकास और स्वालंबन, स्वास्थ्य जैसे कार्यों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के सारे क्रिया रूपों को देखकर निश्चित किया जाता है। 26 फरवरी 2019 को यह अवार्ड एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया और हमें बताते हुए बड़ी हर्ष हो रही है कि हमारे पैट्रन श्री मांगीलाल जी जैन को यह पुरस्कार देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदारित किया गया। और आप श्री मांगीलाल जी जैन वस्तुतः एक स्तंभ इस एकल अभियान के, आप इस गांधी पीस अवार्ड की के स्वरूप को बाहर में हमारे काउंटर में लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।